हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से। अगर आप सभी लोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कैसे आप सभी को अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को 5 लाख रुपए तक का जो कि लोन मिल जाता है, मिनिमम 8,000 से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का यहाँ से जो कि आप सभी को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से आप सभी को लोन नहीं मिल पाया है, तो एक बार आप सभी इस एप्लीकेशन के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ से आप सभी को निश्चित जो कि कुछ न कुछ अमाउंट आप सभी को मिल जाएगा। तो इसके अंदर कैसे आप सभी को अप्लाई करना है वो तरीका मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी ज़्यादा परेशान हैं तो इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कैसे आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आना है प्ले स्टोर के अंदर। आने के बाद आप सभी को सर्च करना होगा 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन, लिख करके सर्च करेंगे तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को आप सभी इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल 5 मिलियन से प्लस लोग इसको डाउनलोड किए हैं। रेटिंग की बात करें 4.5 का इसका रेटिंग है, जो कि तकरीबन 2,74,000 से अधिक लोग इस एप्लीकेशन में अपना रिव्यू दिए हैं। तो आप सभी नीचे आकर के रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई से पहले मैं आप सभी को थोड़ा टर्म एंड कंडीशन बताते हैं, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे। सो गाइस, तो इसके अंदर आप सभी को मिनिमम अमाउंट कम से कम 8,000 रुपये तक का लोन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन यहां से आप सभी को जो कि मिल जाता है। 10 मिनट के अंदर आप सभी को ये लोन जो कि अप्रूव हो जाता है। लोन टेनर की बात करें रीपेमेंट समय की, तो मिनिमम कम से कम 3 मंथ के लिए मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को 24 मंथ के लिए जो कि यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, मिनिमम पेपर वर्क है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आप सभी मान लीजिए कि यहाँ से 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप सभी को प्रोसेसिंग फीस 2% लगाए जाएंगे एंड GST आप सभी को पता ही है कि 18% लगाए जाते हैं। तो आप सभी को दोनों मिलाकर 1,180 रुपये हो जाते हैं। टोटल लोन अमाउंट आप सभी का हो जाएगा 51,180 रुपये। इंटरेस्ट आप सभी को लगाए जाएंगे 24%। ये जो लोन मिलेगा आप सभी को 12 मंथ के लिए, तो आप सभी को मंथली EMI आएगा 4,880 रुपये का। टोटल अमाउंट जो आप सभी को पेड करना होगा 58,075 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आप सभी को पे करना होगा 6,895 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन आप सभी का हो जाएगा 6,895 रुपये इंटरेस्ट, प्लस में आप सभी को प्रोसेसिंग फीस GST लेकर 1,180 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन हो जाएगा 8,075 रुपये। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप सभी यहाँ से 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ही आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सैलरी इंडिविजुअल है, उसके बाद आप सभी का एज कम से कम 21 होना चाहिए और आप सभी का मंथली सैलरी जो है वो कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पे लोन के लिए जो कि आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक है, तो यहाँ पे आप सभी लोन के लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आप सभी को अप्लाई करके दिखाते हैं। सो गाइस, तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। नीचे आएंगे, कुछ परमिशन अलाउ करना होगा तो इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, आई एग्री वाले पे क्लिक करके जो भी परमिशन आएगा सबको अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते चले जाएंगे। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। नीचे गेट OTP का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कुल 3 स्टेप जो कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। पर्सनल प्रोफाइल है, इस वाले पे सबसे पहला स्टेप वाले पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप सभी के सामने सबसे पहला स्टेप कुछ इस तरीके से ओपन होगा, पर्सनल प्रोफाइल। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, फादर्स नेम यहाँ डालेंगे, मदर्स नेम आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप सभी को जो पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सभी शादीशुदा हैं तो मैरिड वाले में, सिंगल है तो सिंगल वाले में। एक ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को नीचे प्रोसीड वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी के सामने सेकेंड स्टेप जो कि ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है गाइस, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप जो कि सेलेक्ट करना होगा, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप सभी को पता है कि अभी ये फिलहाल सैलरी पर्सन को ही लोन जो कि प्रोवाइड करता है,
तो यहाँ पे सैलरी वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सभी को कंपनी नेम यहाँ डालेंगे, डेसिग्नेशन यहाँ पे डालेंगे, एरिया ऑफिस यहाँ डालेंगे, सिटी यहाँ डालेंगे, ऑफिस पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप सभी का टोटल एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पे आप सभी को फिल कर लेना है। मंथली रेंज क्या है यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप सभी को फिर से प्रोसीड वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज अब आप सभी को यहाँ पे कुल तीसरा स्टेप में अब आप सभी को करेंट रेसिडेंटियल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा यहाँ पे डूर में, या मतलब कि अपना एड्रेस यहाँ पे आप सभी अपने हिसाब से जो कि फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ सिटी, स्टेट, पिन कोड और उसके बाद रेसिडेंट टाइप यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका खुद का मकान है या फिर आप सभी रेंट पे रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। अपना एरिया, पिन कोड, सारा कुछ चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी को नीचे फिर से प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप सभी को जो भी अमाउंट मिलेगा स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप सभी अपने हिसाब से जो कि अमाउंट यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेंगे। मंथ भी अपने हिसाब से जो कि यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को कन्फर्म लोन अकाउंट का नीचे फीचर्स मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट्स नंबर आप सभी को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप सभी यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो कि ऐड करेंगे और आप सभी के बैंक अकाउंट में अमाउंट जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो गाइस तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं यहाँ पे सैलराइड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं सारा स्टेप जो कि आप सभी को कंप्लीट करके नहीं दिखाया हूँ। जो लोग सैलराइड पर्सन है उन्हीं लोगों को अभी फिलहाल लोन मिल रहा है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको अभी फिलहाल जो कि लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ आप सभी ख्याल रखेंगे। और मेरे एरिया पिन कोड पर भी ये लोन जो कि इनका सर्विस अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर फिलहाल अभी लोन नहीं मिल पाया है। तो आप सभी कुछ इसी तरीके से जो कि इसके अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल यहां से लोन जो कि नहीं मिल पाया है। तो अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा परेशान हैं, आप सभी चाहते हैं कि हर हाल में किसी न किसी एप्लीकेशन से जो कि आप सभी को लोन मिल जाए, जहां से मैं खुद जो कि लोन लिया हूँ, तो अगर आप सभी वहाँ से लेना चाहते हैं, सो गाइस तो मैंने ऑलरेडी कई एप्लीकेशन से लोन लिया हूँ, लमसम 20 एप्लीकेशन से जो कि मैंने लोन लिया हूँ। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी को किसी न किसी एप्लीकेशन से लोन मिल जाए, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे देखेंगे आप सभी को लिखा होगा RBI 20 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को 20 जो कि ऐसे RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जहाँ से मैं खुद लोन लिया हूँ, मंथली EMI पे आप सभी को लोन मिल जाता है। तो अगर आप सभी ज़्यादा परेशान हैं तो वहां से जाकर के जो कि आप सभी ट्राई कर लेंगे जहां से मैं लोन खुद लिया हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इस एप्लीकेशन से कुछ इसी तरीके से आप सभी को लोन मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।